हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर एसएससी 131 के लिए। तो यार, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो के ऊपर। ये वीडियो एसएससी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जानते हो इस समय जो भी फ्री वीडियो सीरीज़ आपके लिए कराई जा रही है ना, वो आपके लिए रामबाण है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये फुली ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन सब वीडियो से, आप मिला लीजिएगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर किया करिए, वीडियो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट, लाइक, शेयर से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर इन सब वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सब वीडियो बनाने के लिए हम लोग को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? और जो फ्री वीडियो माध्यम से हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं हमारे से, वो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको दिखाया भी था कि 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे जो हमारे हम लोग को रिलीजियसली फॉलो किए थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं तो फ्री वीडियो से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई एसएससी डिफेंस अकेडमी। ये डेट तो शायद कोई नहीं भूला होगा, 5 जुलाई 2024 एग्जाम डेट। एसएससी एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, एसएससी डिफेंस अकेडमी है ना। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब ये क्या मामला है? ये देखो, ग्लोब है, इक्वेटर है, इक्वेटर का ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट लाई करता है और भारत उसमें आता है। वही पूछ रहा है कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है पेनिनसुलर इंडिया का, वो पड़ता है कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी वो किस डायरेक्शन में? इक्वेटर के नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आपके सामने दिख रहा है। राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट विच डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। कौन सा ऐसा दो प्लैनेट हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है? मरकरी और वीनस है, ऑब्वियस सी बात है। सूर्य से इतने नज़दीक होते हैं कि कोई एटमॉस्फेयर में बिलोंग नहीं करता। जब कोई एटमॉस्फेयर बिलोंग नहीं करता तो कोई सैटेलाइट नहीं होती है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी आंसर था इसका, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है, बट हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ये जो हम लोग जिस पे रहते हैं ना, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, उस लेयर को जियोग्राफिकल भाषा में क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। अब अपर मोस्ट लेयर क्या होता है? जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जिस पे हम लोग कुछ बोते हैं, खाते हैं, ठीक है? सैंड स्टोन इन विच टाइप ऑफ द रॉक। देखो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक सबको पता है कि ज्वालामुखी का जो लावा होता है, मैग्मा, मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा बनता है। तो लावा जब ठंडा होता है, मोल्टन मैग्मा बिकम कोल्ड, द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक कम्प्लीटेड। जब वो गर्म लावा मैग्मा ठंडा होगा तो वो बनेगा इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री वही टेम्परेचर प्रेशर से बनते हैं। वही पूछा सैंड स्टोन किसे हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है? यार आपके एग्जाम में रॉक क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है यार, रॉक से भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग डिटेल लाइव क्लास में बहुत अच्छे से कवर करते हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो रॉक पे एक डिटेल वीडियो बना भी दिया जाएगा। अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन द वाटर इज मेरियाना ट्रेंच, सबको पता है। और ये इसका लोकेशन क्या है, किस ओशन पड़ता है? ये पैसिफिक ओशन पड़ता है। पैसिफिक ओशन का एक और लिए ये बहुत बदनाम है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये है, क्या कहते हैं, जो वॉल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशन के रीजन में लाइक करते हैं, इसलिए पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये जो मेरियाना ट्रेंच है वो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है। फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड मैंग्रोव बोला जाता है। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और इनके जंगलों को क्या बोला जाता है? मैंग्रोव के जंगल बोले जाते हैं, ठीक है? अब आप लोग ये बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में कि मैंग्रोव के जंगल हमारे एटमॉस्फियर और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं या नहीं, ठीक है? ये एसीसी 131 और एसीसी 132 का बैच आपके डिमांड पे ही स्टार्ट किया गया है, जिसमें ज्वाइन करने के बाद टॉप 500 रैंकिंग की गारंटी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको ऑफिसर बना करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। इस बैच को ज्वाइन करते ही फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें थ्योरी वन लाइनर एंड सीक्यूज होंगे। 500 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं।
अगर आपको डाउट रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद भी नहीं होता है तो वो लाइव क्लास में आइए। लाइव क्लास में टीचर आपका पूरा सिलेबस दो बार फिनिश कराते हैं, आप टीचर से इंटरेक्शन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ उस लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग करते हैं। जो लोग ड्यूटी की वजह से लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं लाइव क्लास का ही। कोई डाउट हो तो आपके पास टीचर का नंबर रहेगा, आप पूछ सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, MCQ PYQ को सॉल्व कराया जाता है, ऑनलाइन लाइव क्लास में सॉल्व कराया जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दिए जाते हैं। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है अपने आप में। इसके बाद आपको कुछ कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्रैक्टिस रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, नो नथिंग। आपका ये मोर देन इनफ है। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं, लाइव क्लास का स्क्रीन शॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं, PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। रेलवे कोचेस मैन्युफैक्चर कहाँ किए जाते हैं? पेरामबूर में किए जाते हैं। जैसे डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं, सबको पता है, इसलिए DLW नाम पड़ता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, तो पेरामबूर में बनाए थे रेलवे कोचेस। बाई व्हाट नेम इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन इन म्यांमार नोड? म्यांमार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या दिया गया है? एक्चुअली ये जो कल्टीवेशन है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। उगाए जितना मिट्टी की उर्वरता थी उसमें उगाए, जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई तो उसको जला कर राख कर दिए, काम खत्म। ठीक है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत सारे देशों में विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो अभी तक म्यांमार की बात है तो तुंग्या बोला जाता है। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ एटमोसफियर 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट? ये तो ट्रोपोस्फेयर होगा, ट्रोपोस्फेयर में बारिश की घटना होती है। तो 90% जो ओशन गर्म होते हैं, तालाब नदियाँ से जो पानी जो गर्म होकर ऊपर उठता है, तो वो 90% वेपोराइजेशन जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल में, सही है। माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में, सही है। कोड़ाई कनाल तमिलनाडु पड़ता है, या शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश दिया, तो यही नॉट करेक्टली मैच है, इज द राइट आंसर डी। पेनिनसुलर इंडिया हैज़ द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स? रेड एंड येलो सॉइल होता है। पेनिनसुलर इंडिया के जो टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं वो येलो और रेड होते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोन इन श्रीलंका? श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या नाम दिया जाता है? वो चन्ना नाम दिया जाता है। मैंने बताया ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विस्तृत कल्टीवेशन मानी जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इस प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम दिया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ टू प्लेसेस इन द क्रॉसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूड? द आयरन स्टील प्लांट इज छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड? भिलाई में पड़ता है भाई स्टील आयरन प्लांट। SSC के बुकलेट्स हैं जो प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे आप इसको यूनिट एड्रेस पर ऑर्डर करवा सकते हैं, या इसको अपने नियरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर भी ऑर्डर करवा के मंगा सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव फुली अपडेटेड बुकलेट्स हैं, जहाँ पे आपको जिस यूनिट में आपको नेटवर्क इशू होता है, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे है जहाँ पे नेट नहीं होता है, तो आप इस बुकलेट को लेकर अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट हैं, MCQ हैं, वन लाइनर्स हैं, 1000 ज़्यादा, और लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर हैं। 8120745966 व्हाट्सअप करके बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये SSC डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट मटेरियल आपको मिलेंगे। ये हमारा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट करिए, और सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।